नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लीगल लिटरेसी में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा कानूनी जानकारी से जुड़ा हमारा यह खास कार्यक्रम है जिसमें हर बार हम आपको एक कानून से संबंधित उसकी सभी जरूरी बातों से अवगत कराते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में रोजगार कानून पर हम जानेंगे कि यह कानून क्या है इसके तहत कर्मचारियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है साथ ही इस कानून से जुड़े जो ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की लीगल लिटरेसी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी जो इस विषय पर हमें जानकारी देंगी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो लीगल लिटरेसी पर नमस्कार मैम भारत में अगर हम रोजगार कानून की बात करें तो सबसे पहले आप ये बताएं कि रोजगार कानून कहता क्या है इसके मुख्य स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं जी आ, सबसे पहले रोजगार कानून के नाम से ही दर्शित होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस वर्ग से बिलोंग करता है कि जो वो जॉब कर रहा है किसी कंपनी में या कोई एम्प्लॉय है या कोई वर्कर है या कोई लेबरर है इस प्रकार से जैसे वो करता है तो उसके लिए क्या क्या कानून है क्या क्या उसके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं कहाँ कहाँ से वो कोर्ट के माध्यम से रिड्रेसल ले सकता है या ट्रिब्यूनल के माध्यम से रिड्रेस ले सकता है साथ ही साथ उसका स्रोत मुख्य स्रोत क्या है तो सबसे पहले स्रोत की बात करें हमारे देश के सारे कानून का एक ही स्रोत है वो भारत का संविधान है तो भारत के संविधान जो जो है 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 वो है, वो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो रोजगार कानून है उसके लिए साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट साथ्यूट ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं ऐसे इंडस्ट्रियल लॉज कहने से एन नंबर ऑफ लॉज आ जाते हैं वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट हो गया एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट हो गया मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया इस प्रकार से कई सारे मेटर्निटी बेफिट एक्ट हो गया कई सारे ऐसे कानून हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं जो स्टेट लेवल पे भी बने होते हैं जिनका रेफरेंस सेंट्रल लेवल के कानून से होता है तो सेंट्रल और स्टेट लेवल uh, के जो कानून होते हैं उसमें जो प्रावधान होते हैं कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एक व्यक्ति कितने समय से कितने समय तक कार्य कर सकता है रिट्रेचमेंट की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए छटनी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए ले ऑफ की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए तो ये सेंट्रल और स्टेट स्टेट्यूट है ये उसके स्रोत हैं और साथ ही साथ जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके द्वारा निर्धारित किए गए कई सारे केसेस में जो कानून बन के आ जाते हैं कि एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं वो भी कई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्त्रोत है तो इस प्रकार से कई सारे स्रोत है इसके अमित जी बिल्कुल मैम भारतीय रोजगार कानून के तहत जो कर्मचारी है उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है जी कर्मचारी यानी वर्कमैन वर्कमैन जो नॉन सुपरवाइजरी वर्क करता है उसको एक जनरली बोल दिया गया है वर्कमैन और जो नॉन वर्कमैन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में जो प्रशासनिक चीजों में या मैनेजमेंट की चीजों में रहता है वो नॉन वर्कमैन की कैटेगरी में आता है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वर्कमैन कौन होता है नॉन वर्कमैन कौन होता है अगर ये समझ जाएंगे तो आप जब कानून को जो जानकारी लेने लगेंगे तो आपको पता चलेगा आपके लिए कौन से बेनिफिट्स है उसमें जी अमित जी मैम क्या भारतीय रोजगार कानून में एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का उदाहरण दे सकते हैं जो इस विषय में एक मील का पत्थर साबित हुआ हो जी एक केस था वर्कमैन ऑफ मैसेस फायर स्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस मैनेजमेंट इसमें यह हुआ था कि जो डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है उसके परिणाम स्वरूप कई सारे वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था जो एक कंपनी होती है वो अपने अंदरूनी कानूनों के अकॉर्डिंग इंक्वायरी करती है और वो इंक्वायरी के अकॉर्डिंग जो है वो केस में क्या किया गया था कि उनको काम से निकाल दिया गया था तो लेबर ट्रिब्यूनल जो है उन ये कानून में ये आया था लेबर ट्रिब्यूनल जो है जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है उनका रिव्यू कर सकती है क्या डोमेस्टिक कंपनीज ने भेदभाव करते हुए तो वर्तमैन को बाहर नहीं निकाला तो इस प्रकार से ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसमें बोला गया था लेबर ट्रिब्यूनल का यानी क्षेत्राधिकार कहां तक है वो रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है जनरली आप सर्विस लॉ में जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि इवन हाईकोर्ट के पास भी ये जूरिसन नहीं होता है कि अगर जो है कंपनी डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है तो उसका जो है डिसीजन उसको रिव्यू करने की वो भी ज्यूरिसिक्शन नहीं होता है लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें बताया गया था लेबर ट्रिब्यूनल्स जो है वो रिव्यू कर सकती है डोमेस्टिक अफेयर्स को डोमेस्टिक इंक्वायरीज को और जो लेबर ट्रिब्यूनल है वो वर्कमैन को रिलीफ्स है वो भी दे सकती है जी अमित जी मैम भारत में रोजगार कारणों में जो हाल ही में बदलाव किए गए हैं वो क्या कहते हैं जी आ, पहले आप रोजगार कानून देखते थे तो विभिन्न प्रकार के कानून आ जाते थे आपके सामने 29 डिफरेंट लेबर लॉस थे जिनको चार में वर्गीकृत वर्गी कर दिया गया पहले आ, आपको समझ नहीं आता कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई किस कानून के अंतर्गत हम याचिका दायर करें कहाँ से हम आ, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं तो ट्वेंटी डिफरेंट लॉस को कॉडिफाई करके एक चार चार ऐसे जो है कोड्स उसमें वर्गीकृत कर दिया गया एक कोड है जो मजदूरी संबंध रखता है कोड ऑफ वेजेस जिसको बोलते हैं तो उसमें ये बता देता है बता देते हैं कि टाइमली पेमेंट होना चाहिए वेजेस का अगर आपको इस प्रकार की तकलीफ हो रही है किसी कंपनी में काम करते हुए कि आपका जो तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम वेजेस आपके कितने होने चाहिए या कब आपको अगर डिले हो रहा है पेमेंट में तो वो तो इन सब जो आपके एम्प्लॉय रिलेटेड वेजेस रिलेटेड पैसे से रिलेटेड जो आपके होते इश्यूज होते हैं तो उसके लिए आप कोड ऑफ वेजेस पे जा सकते हैं सेकेंड आपको अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड उद्योग संबंध से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि एक इंडस्ट्री दूसरे सप्लायर से या प्रोड्यूसर से इनसे अगर आपको डिस्प्यूट होता है तो इस कोड में आप आ सकते हैं थर्डली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ये कोड बनाया गया है एक संहिता बनाई गई है जिसमें आपकी सेफ्टी का जैसे खदान है अगर वहां पे कोई वर्कमैन काम कर रहा है तो उसके सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपका जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड नहीं करता तो आप इस कोड के अंतर्गत रिलीफ ले सकते हैं आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पे अगर स्मोक और हेजारडियस गैसेस से आपको अगर तकलीफ होती है तो उसमें आपको सेफ्टी मेजर्स अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उसके लिए भी आप इसमें आ सकते हैं तो ये तीसरा कोड था अमित फोर्थ है सोशल सिक्योरिटी की बात जैसे हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज uh, सेक्टर में आप अगर कार्य कर रहे किसी कंपनी में तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए फ्यूचर के लिए आप, आपका कुछ ना कुछ फंड तो होना चाहिए उसके लिए एक कोड ऑफ सिक्योरिटी बनाया गया हालांकि ये कानून अभी चर्चा में ही है इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो काफी सिंप्लीफाइड और काफी सुचारू रूप से काफी प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में आपको रेमिडीज मिलेगी इस एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंतर्गत जी बिल्कुल मैम ये जो भारतीय रोजगार कानून है ये भेदभाव से कैसे बचाता है जी जब हम आर्टिकल 15 का अवलोकन करते हैं हमारे संविधान का वो स्वयं रूप से ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स तो जब हम महिला और पुरुष की बात करते थे तो उसके लिए इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं होता था एक टाइम था जब बोला जाता था ये महिला है ये इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती तो इसको इतना पेमेंट नहीं हम दे सकते तो उसको जब एम्प्लॉयमेंट लॉ में जब हम आए उसमें संशोधन हुए तो एक एक्ट बना इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 का जिसमें बोला गया कि महिला पुरुष या अद, अद, अदर कम्युनिटीज किसी में भी हम भेदभाव नहीं करेंगे रेमुनरेशन यानी पैसे सबको बराबर रूप से बटेंगे उसके बाद आप प्रिवेंशन ऑफ एक्ट 1989 का अवलोकन कर लीजिए उसमें बोला गया है एससी एस टी में बिलोंग करने वाले जो व्यक्ति है उनके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे उनके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे साथ ही साथ राइट ऑफ पर्सन विद डिस एक्ट टू का है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कहीं से अपंग है या कुछ ऐसा है तो उसके साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे उसके भी पेमेंट से हम इस प्रकार के मतलब कटिंग कर, कट करना या कुछ ऐसा करना ये चीजें नहीं करेंगे फिर एच आई वी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 की बात कर लीजिए साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क एक्ट की बात कर लीजिए तो ये एम्प्लॉयमेंट लॉ ये सारे एक्स्ट्रा लॉज को ला करके अप्लाई करके यही सुनिश्चित करता है कि कहीं से कहीं तक डिस्क्रिमिनेशन ना हो भेदभाव ना हो जी अमित जी मैम जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उन्नीस ये क्या कहता है इसका क्या महत्व हम समझ सकते हैं जी औद्योगिक विवाद से आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के बीच में आ, जो डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड यूनियन बनती है जिसमें वर्कमैन से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ जाती है कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं लॉकआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये बहुत ही उस टाइम पे क्योंकि डेवलपिंग है आज भी डेवलपिंग है उस टाइम पे भी डेवलपिंग था तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना जायज है तो जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाए उसको uh, सुलझाया कैसे जाए उसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का लाया गया था साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पीस को सिक्योर करना प्रोमोट करना कि हाँ शांति से भी बैठ करके भी निपटारा किया जा सकता है जरूरी नहीं कि हड़ताल की जाए उस चीज के लिए काम को रोक दिया जाए तो इसके लिए प्रमोट करना पीस को ये एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वर्कर्स के राइट्स को डिफाइन कर देना ये भी इस एक्ट का बहुत बड़ा एक रोल है साथ साथ स्ट्राइक लॉकडाउन की जैसे मैंने बात की उसको रेगुलेट करना आप वॉयलेंट होकर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते आपको एक लिमिट में रह के ही आप स्ट्राइक कर सकते हैं लॉकआउट आप नहीं कर सकते हैं अगर वैसी परिस्थिति करते तो उसका क्या परिणाम होगा तो इस प्रकार से ये एक्ट जो है फेयर टर्म्स को सेफगार्ड करता है तो इसीलिए ये एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी अमित जी मैम भारत में मातृत्व लाभ इसे कैसे विनियमित किया जाता है जी अब क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वुमेन भी काम पे जाती हैं महिलाएं काम पे जाती हैं अगर वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उन उसके लिए एक अलग से कानून बना दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो उसमें क्या क्या प्रावधान है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको जानना बहुत आवश्यक है कि अगर कोई महिला है अगर वो प्रेगनेंट है तो वो ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स वीक्स का जो है वो लीव ले सकती हैं और वो पेड लीव होगा ये इस एक्ट का प्रावधान है साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम अगर बच्चा फंट है तो वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन महिलाओं को प्रोवाइड करना चाहिए क्रेच फैसिलिटी बच्चे बच्चों को अगर ऑफिस लेके आना है तो एक क्रैच बच्चों के लिए होना जरूरी है तो ये फैसिलिटी को प्रोवाइड करना ये भी है साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप मैटरनिटी लीव में अगर कोई महिला है तो उसको काम से निकाले इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट में और मेडिकल बोनस देना ये भी एक बेनिफिट है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को इसीलिए लाया गया है कि महिलाओं के साथ में अगर वो उस मैटरनिटी फेज में गुजर रही है तो उनके साथ भेदभाव ना हो उनकी जॉब सिक्योर रहे और उनको पेड लीव्स भी मिलती रहे तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल लॉ है जी अमित बिल्कुल मैम भारत में कर्मचारी भविष्य निधि निर्धारित की गई है कर्मचारियों के लिए लेकिन इसकी जो भूमिका है उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं और क्या ये भी इस कानून के अंतर्गत आती है जी एम्प्लॉयमेंट लॉ में अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पेंशन मिलेगा तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा ये जनरली एक अवधारणा होती थी लेकिन अभी जैसे हम कर्मचारी भविष्य निधि की बात करते हैं तो भविष्य निधि को लाया गया है क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए एम्प्लॉय को इसके लिए ये निधि को लाया गया है साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसमें डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ये निधि का वो लाभ ले सकता है और ये लॉ है और इसको अप्लाई करना चाहिए अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि ये अप्लाई होना चाहिए जी अमित बिल्कुल मैम भारत में रोजगार कानून बाल श्रम के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है जी इससे इसकी भी हम शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है उससे शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताया गया कि 14 साल से कम का अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा है तो उसको हजार्डेस प्लेस में उसको नौकरी पे ना रखा जाए साथ ही साथ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट नाइन्टीन का है जिसको बताया गया है कि बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते हैं अगर करवाते हैं तो उसमें कारावास का भी प्रावधान है पेनल्टी का भी प्रावधान है उसके बाद आप देखेंगे रेगुलेशन ऑफ एडोलिस की 14 से 18 साल का है तो क्या वो कार्य कर सकता है डेफिनेटली वो कर सकता है लेकिन हजार प्लेस में जहां पे जान का खतरा है वहां पे वो बच्चा वहां पे काम नहीं कर सकता ये है साथ ही साथ अगर बच्चे को काम नहीं कराना है तो उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दी जाए तो एक एक्ट लाया गया था राइट टू एजुकेशन का राइट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट टू का जिसमें कंपल्सरीली हर एक बच्चे को जो छह से चौदह साल का है उसको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ये प्रावधान लाया गया था बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए नहीं जाएगा ऐसी जगहों पर तो ये एक एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ है कि बच्चों को इस प्रकार से काम ना करवाया जाए जी अमित बिल्कुल भारत में रोजगार समाप्ति की अगर हम बात करें मैम तो इसके लिए कौन कौन से प्रावधान जो है वो निर्धारित किए गए हैं इस कानून के अंतर्गत जी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जहां हम बात करते हैं और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की हम बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में इसका एप्लीकेशन है जिसमें आ, ये बोलता है कि अगर लॉफुली टर्मिनेट होता है अगर व्यक्ति तो उसको बेनिफिट्स दिया जाए अगर वो लॉफुली टर्मिनेट नहीं होता है गलत तरीके से अनलॉफुली टर्मिनेट किया जाता है तो उसको वापस से री करने का भी प्रावधान है अगर उसका लिस्ट में नाम आया अगर सरकारी संगठनों में हम देखते हैं कि लिस्ट बन के आती है मंत्रालय से लिस्ट बन के आती है उसमें अगर उस व्यक्ति का नाम है और उसको इंस्टेट नहीं किया गया है तो उसको भी रिलीफ दिया जाए उसको री इंस्टेशन इन्स्टेश, का तो इस प्रकार से कई सारे टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी हैं और री इंस्टेशन भी हैं तो ये लॉ जो है रो, रोजगार समाप्ति के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो प्रावधान लाता है जी अमित बिल्कुल मैम ये कानून कारखानों और प्रतिष्ठानों में जो काम करने की स्थितियां हैं उन्हें कैसे नियंत्रित करता है जी जब हम कारखानों का रुख करते हैं तो हम देखते हैं क्या वहाँ पे वर्किंग कंडीशन प्रॉपर है हुँ. क्या वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है क्या वहाँ पे आ, हवा पानी आ, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं तो वर्किंग कंडीशन को देखने के लिए ये जो है कारखानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही साथ अगर कारखानों में जाते हैं तो उसमें आप देखते वर्क आवर्स ऑफ वर्क कितना है कि कहीं आप अगर किसी से काम करवा रहे हैं तो उससे बारह घंटे पंद्रह घंटे अट्ठारह घंटे तो काम नहीं करवा रहे तो इसके लिए ये लॉय लाया गया है कि नौ घंटे से ज्यादा एक दिन में आप किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करवा सकते और उस नौ घंटे में आधे घंटे का भी आप उनको इंटरवल देंगे ब्रेक देंगे साथ ही साथ एक हफ्ते में 48 घंटे 48 एट आवर्स से ज्यादा आप किसी भी व्यक्ति से कार्य नहीं करा सकते तो इस प्रकार से इस अदर रिलेटेड मैटर्स हैं जिसको uh, कारखानों के लिए और प्रतिष्ठानों के लिए कॉर्पोरेशन के लिए काम करने के लिए इस प्रकार के स्टैंडर्ड बेसिक गाइडलाइंस दी गई है जी अमित जी मैम भारतीय कानून में समान काम के लिए समान वेतन की जो अवधारणा है वो क्या है जी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया था और जिसको बाद में कानून लाने की बात की गई थी और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को एक केस लॉ है रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इसको रिकोगनाइज किया गया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया ये भी हमारा एक अधिकार बन गया है कि हाँ अगर हम समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो हमें समान रूप से तनख्वाह भी मिलनी चाहिए आप किसी को ज्यादा दे रहे किसी को कम दे रहे हैं प्रेफरेंशियल ग्राउंड पे की ये तो हमारे परिवार का है ये परिचित है या एनॉल्व इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये संविधान संविधान का एक प्रावधान है जिसको अप्लाई किया गया है इस केस के माध्यम तो से जी अमित जी मैम मैम ट्रेड यूनियंस और औद्योगिक कार्रवाई को कैसे इसके अंतर्गत विनियमित किया जाता है जी जब हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं वो ट्रेड यूनियंस क्यों बनते हैं कि जो वर्कमैन होते हैं उनकी बात को एम्प्लॉयर तक पहुंचाया जाए उसके लिए ट्रेड यूनियन में आप देखते हैं कि एक लीडर होता है जो सारी बातों को जो है एम्प्लॉयर के पास लेकर के जाता है और पहले ये चीज अगर सिस्टमेटिक नहीं होती थी तो फिर कारखाने कई कई महीनों तक बंद रह जाते थे कार्य नहीं होता था अप्लाई चेन टूट जाता था जिस वजह से कंपनी डूब जाती थी तो ट्रेड यूनियन का प्रावधान लाया गया ट्रेड यूनियन में बातों को सुलझाने का डिस्प्यूट का प्रावधान लाया गया अगर स्ट्राइक हो रहा है तो पीसफुल वे में स्ट्राइक होना चाहिए इस चीज का प्रावधान लाया गया लॉकआउट किन किन परिस्थितियों में आप कर सकते किन में नहीं कर सकते इस चीज का प्रावधान लाया गया जी अमित जी मैम रोजगार विवादों में जो कर्मचारी की परिभाषा है वो कैसे निर्धारित की गई है इसकी प्रासंगिकता क्या है जी जब हम कर्मचारी की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति ही बस कर्मचारी है कोई मैन है जो मैनुअल कार्य भी कर रहा है जो मशीनों के साथ कार्य कर रहा है अनस्किल्ड स्किल्ड और साथ ही साथ टेक्निकल ऑपरेशनल और क्लरिकल सुपरविजन ये सारे जो है ये जो हायर करने वाला और रिवॉर्ड करने वाला जो सारी जॉब्स है ये सारे के सारे कर्मचारी के परिभाषा में आते हैं इस चीज से हम समझ सकते हैं जी हमें। जी मैम भारत में रोजगार कानून व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है जी थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कशन की थी अमित कि हाँ अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है वो हजार एनवायरमेंट में कार्य कर रहा है कि इस प्रकार के गैसेज इस प्रकार के केमिकल्स है या आ, आप कुछ आ, ऐसे ऑक्युपेशन होते जिसमें आग का कार्य होता है कि फायर के साथ उनको कार्य करना पड़ता है तो ये एक कोड बनाया गया है एक संहिता बनाई गई है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का ये कोड है बहुत ही नया इसमें कानून है जिसमें बताया गया है कि हर एक जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति उस चीज में पीड़ित हो जाता है या अगर आग में जल जाता है तो उसके लिए क्या रेमेडीज उसमें होनी चाहिए उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो इस प्रकार से कई सारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स दिए गए क्योंकि आप अगर डिफेंस देखते हैं कोर्ट में अगर कोई भी केस आप उठा के देख लीजिए तो जनरली एम्प्लॉयर ये कहता है कि हमारे कार्य करने के दौरान में इसको ये इंजुरी नहीं हुई है तो हम इसमें इसको कम्पन्सेशन या प्रतिकर नहीं दे सकते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस कोर्ट को लाना और ये चीज बताना कि कार्य के दौरान अगर ना हुआ तो क्या हुआ कार्य के परिणाम स्वरूप भी अगर होता है तो भी उसको कम्पन्सेशन मिलना चाहिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस कोर्ट का जी अमन बिल्कुल मैम वर्तमान में अगर हम देखें तो ये जो कानून है ये कितना प्रासंगिक आप देख पाते हैं और क्या इसके माध्यम से जो कर्मचारी हैं उन्हें लाभ मिलता जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल अगर आप हाईकोर्ट में केसेस का रुख देखेंगे तो पुराने लॉज के से जो रेगुलेट होते थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी अपने रे, रेमेडीज को ये करने का और जो नए लॉज बनते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून बन हैं कि गए हैं बहुत सारे सिंप्लीफाइड और क्वडिफाइड चीजें हो गई हैं जिस वजह से बेनिफिट मिलता है तो अगर आप परेशान हैं कि हम कैसे इस चीज को ये करें तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आप अग्रीवड है आपका एम्प्लॉयर सही नहीं है आपको सही से वेतन नहीं दे रहा है या आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है तो अभी के जो एम्प्लॉयमेंट लॉज है उसके तहत अगर आप रेमेडी लेने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ही लाभ मिलेगा उससे और अब आप बहुत आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अभी अपने अधिकारों के लिए लेकर के शांत ना बैठे और अपने लिए आवाज उठाएं जी मैम कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने कर्मचारियों को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं देती है किसी तरह का जी. तो क्या अगर वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है तो ऐसे जो कर्मचारी है क्या वो भी अगर कभी कंपनी से एकाएक निकाल दिया जाता है टर्मिनेट कर दिया जाता है तो इस कानून के अंतर्गत वो न्याय पा सकते हैं जी इसके लिए जो एम्प्लॉय है उसको ये चीज सुनिश्चित करना है कि उसको लेटर ऑफ उप अपॉइंटमेंट मिले अगर वो कार्य कर रहा है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है कोर्ट क्योंकि एविडेंस पे चलती है आपको अगर लेटर ऑफ उप अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो ये बहुत मुश्किल कठिन हो जाता है कि आप उस चीज को कोर्ट में प्रूफ करें कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय था या रेगुलर बेसिस पे काम करता था लेकिन उसका भी एक तोड़ है उसका ये तोड़ है कि अगर आप जर, जर्नल मेंटेन होता है अगर आपके ऑफिस में कि अगर एंट्री आप कर रहे हैं कि इतने समय में आया इतने समय में गया अगर आपके पक्ष में गवाह होते हैं और ये स्टेब्लिश आप कर देते हैं तो इसमें अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि एम्प्लॉयर के डिफॉल्ट से उनकी गलती की वजह से आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो वैसी परिस्थिति में आपको न्यायालय आपके इन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस या न्याय के हित में आपके पक्ष में फैसला कर सकती है लेकिन वही है ये काफी चैलेंजिंग है केस टू केस डिफर कर सकता है फैक्ट टू फैक्ट डिफर कर सकता है आपको बस ये चीज करना है आपने जैसे पॉइंट आउट किया लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होना जरूरी है ये चीज हम भी बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले उसके बाद ही ज्वाइन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाद में आपको प्रूफ करना थोड़ा कठिन हो जाता है जी बिल्कुल और मैम हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि कुछ कंपनीज एचआर पॉलिसीज लेकर के आती है लेकिन साफ तौर पर उसमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कर्मचारियों के शोषण के लिए है उससे ज्यादा उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो क्या ऐसे में जो ये रोजगार कानून है इसकी सहायता किसी तरह से जो कर्मचारी वहां के ले सकते हैं जी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की जैसे हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी देते हैं उसका भी एक तोड़ है वो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और वो जो एचआर पॉलिसीज है वो इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ नहीं है hmm. तो आपको अगर रॉन्गफुली फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर के उस चीज की बात कर सकते हैं कि ये इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ नहीं था और मुझे मिसगाइड करके इसमें सिग्नेचर कराया गया अगर लॉ hmm. के इंटरवेंशन में लॉ को एक्सीड uh, करते हुए अगर uh, वो पॉलिसीज हैं तो उनको भी शून्य घोषित किया जा सकता है तो वर्किंग कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये न्यायालय भी देखता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करने जा रहा है तो वो मजबूरी में ही जा रहा है क्योंकि उसको आवश्यकता होती है तो ये तोड़ हर चीज का होता है हमें बस हमें उस चीज के लिए अलर्ट होना होता है शुरुआत ही आप इस प्रकार से करें कि आपको अगर पॉलिसी समझ नहीं आ रही तो आप संशोधन के लिए बोल दें कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन पे कार्य नहीं कर सकता हूं इसमें आप संशोधन कर दीजिए इस प्रकार से आप ना करें अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप बता दीजिए आप कंप्लेन कर दीजिए कोर्ट में लेबर कोर्ट में बता दीजिए जी कि भाई ये लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने पॉलिसीज नहीं बनाई है जी, जी अमित बिल्कुल मैम मैम एक अहम विषय यहाँ पर यह भी आता है कि समान काम समान वेतन की आपने बात की लेकिन कई बार ऐसा तो समय के साथ जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई जो भत्ते हैं वो नहीं बढ़ाए जाते उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं किया जाता है केवल उन्हें मिसगाइड करके रखा जाता है तो क्या ऐसे में ये जो एम्प्लॉय कर्मचारी है वो इस कानून की शरण लेकर कुछ मदद पा सकते हैं जी अगर महंगाई बढ़ रही है और उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वैरी करता है आज की डेट में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पांच के वेतन में भी कार्य कर रहे हैं वो फंस चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर कर दिया होता है, दिया होता है है अपना कंसेंट दे दिया कि इतने समय अवधि तक मैं कार्य करूंगा तो एक अगर हम एग्रीमेंट की बात करें एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें समयावधि समयावधि अगर है तो के साथ साथ इंक्रीमेंट का क्लॉज भी होना आवश्यक है अगर वो इंक्रीमेंट का क्लॉज नहीं है उस चीज में तो आपको उसको संशोधन करने के लिए बोलना चाहिए अगर आपको लगता है कि कितने समयावधि में इतनी महंगाई बढ़ सकती है तो आप इंक्रीमेंट करें क्योंकि जनरली हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर ड्राइव ड्राफ्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें एक क्लॉज ऐड करते हैं क्योंकि ये कानून के अनुसरण में है और अगर नहीं होता है तो फिर उसमें संशोधन किया जा सकता है और आप कंप्लेन भी कर सकते हैं इसमें जी अमित जी तो आज हमने बात की भारत में रोजगार कानून पर हमने जाना कि किस तरह से ये कानून आपके हित में आपके रोजगार के संरक्षण में काम करता है साथ विभिन्न संवर्गो के लिए किस तरह प्रभावी है हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर जानकारी दी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आकर दर्शकों को इस जरूरी कानूनी विषय पर जानकारी देने के लिए और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार